खबर बानसूर से। बानसूर पंचायत समिति सभागार में पंचायती राज की योजनाओं को लेकर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम संसाधन व्यक्ति तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आंगनवाड़ी तथा ग्राम संसाधन व्यक्ति प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर ग्राम पंचायत की योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। इस तरह सरकार की योजनाएं जैसे पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजना में लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं, इसको क्रियान्वित किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पंचायत समिति में भिजवाई जाएगी, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान विकास अधिकारी रामजीलाल मीणा, अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेश शर्मा, अजय वर्मा, पंचायत प्रसार अधिकारी सरपंच सतपाल चौधरी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। ब्लॉक रिसर्च पर्सन ने मतलब ब्लॉक के ऊपर किया जा रहा है, तो हमें एक ब्लॉक से मतलब चार एक VR के ऊपर 3 और 5 VR के ऊपर, तो हमें जैसे इसमें जैसे नरेगा संबंधी कार्य है, PM आवास, शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन, तो इनकी हमें फील्ड में जाके हमें जांच करनी पड़ती है कि PM आवास में किसको मतलब सूची में नाम आया, उनको PM आवास मिला है या नहीं मिला है, उनकी कितनी किस्त आ गई। इसमें 3 किस्तें मिलती है, तो कभी कभार ये तो एक किस्त तो आ जाती है और किस्तों के लिए चक्कर काटना पड़ता है, तो हमें ये जाके सत्यापन करना पड़ता है कि PM आवास जिसको मिला है कि उसको हकीकत में मिला है या नहीं मिला, या किसी और के नाम है किसी और को मिला हो। ऐसे स्वच्छ भारत मिशन में हमें शौचालय देखने पड़ते हैं कि शौचालय जो 12,000 रुपये सरकार किए गए वो मिले हैं या नहीं मिले हैं, कभी कभार ऐसा होता है लिस्ट में नाम आ जाता है उनको 12,000 रुपये नहीं मिलते हैं, तो ऐसे जो सामने जो योजनाएं हैं उनके बारे में हमें ये सर्वे करना पड़ता है, और जो गरीबों का हक है जो गरीबों को मिलना चाहिए।